नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी वेरिकोस सील स्टोरी के बारे में। मेरे को किस प्रकार से पता चला कि मेरी वेरिकोस सील है और मैंने किस प्रकार से इसका इलाज करवाया, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वेरिकोस सील क्या होता है और वेरिकोस सील से बचने के क्या उपाय यानी लंगोट वगैरह पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई बटन में भी है, और साथ में आपको थंबनेल भी दिखाई दे रहे होंगे दोनों साइड में, वेरिकोस सील क्या है और लंगोट के बारे में। तो बने रहे वीडियो के साथ में और चर्चा करते हैं मेरी वेरिकोस सील स्टोरी के बारे में, किस प्रकार से मैंने सर्जरी कराई, जो भी जीरो से लेके एंड तक। मेरे को वेरिकोस सील के बारे में 0% भी जानकारी नहीं थी। जब मैं 2019 में आर्मी की भर्ती में गया 2019 में, तो मेरे को वहाँ पर रनिंग करने के बाद में अगले दिन जब मेरा मेडिकल हो रहा था, तो लास्ट स्टेज पे मेरा वेरिकोस सील का मेडिकल, वहाँ पे हमारा 30-40 बच्चों का एक ग्रुप था, उसमें से लगभग 4 या 5 लड़कों के वेरिकोस सील की समस्या थी। तब उन्होंने वो जो लेटर देते हैं उसमें लिखा हुआ था वेरिकोस सील LT, यानी कि मेरी वेरिकोस सील था वो लेफ्ट साइड में वेरिकोस सील था। तब मेरे को पता नहीं था, मैंने थोड़ा सर्चिंग किया, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, तो पता चला कि ये वेरिकोस सील होता है। तो मैंने डॉक्टर से संपर्क किया तो बोला कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सर्जरी करवाने का थोड़ा सा डर लगता है यार, सर्जरी क्या होती है, किस प्रकार से होगा, चीरे वगैरह लगेंगे। तो फिर भी मैंने सोचा कि यार सर्जरी करवा लेता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब आर्मी में जब मेडिकल मतलब MS के लिए बुलाते हैं अपनों को रीमेडिकल के लिए, तो उसमें डेट मेरा 14 जून को मेरा मेडिकल हुआ था और उन्होंने 22 तारीख की डेट दे रखी थी, मतलब 22 जून की डेट दे रखी थी। तो मैं वहाँ पर सर्जरी कराने में असमर्थ था, क्योंकि सर्जरी उस तक ठीक नहीं होती, इसलिए मैंने सर्जरी नहीं करवाई। लेकिन वैसे मेरा मेडिकल 4 जुलाई को हुआ था 2019 में, तो मेरे पास टाइम था। लेकिन मैं उस जो लेटर दिया गया उसमें केवल 22 जून तक ही था, इसलिए मैंने करवाया नहीं। लेकिन उसके बाद में वहाँ पे जो लड़के आए थे, उन्होंने 2-4 लड़कों ने सर्जरी करवा रखी थी, तो उनका मेडिकल वो फिट हो गए थे। और बाद मैंने अगस्त में मैंने अपना वेरिकोस सील का टेस्ट करवाया, टेस्ट को बोलते हैं कलर डॉबलर टेस्ट, तो उसमें मेरा 4 ग्रेड का वेरिकोस सील निकला। तो डॉक्टर ने बोला आपको सर्जरी करवाना ज़रूरी है, मेडिसिन से तैयार नहीं होगा। तो मैंने फिर उसके बाद में मैंने अगस्त 2019 में ही मैंने वेरिकोस सील का सर्जरी करवाया। वेरिकोस सील सर्जरी में मेरे पास ऑप्शन था ओपन सर्जरी का, मैंने ओपन सर्जरी कराई। जब मैंने ओपन सर्जरी करवाई तो उसमें मेरा लगभग, अगर सर्जरी की कॉस्ट की बात करें तो ये 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर आपकी मतलब ओपन सर्जरी हो जाती है। और थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है, जैसे कि अपनी वेरिकोस सील एम्बोलाइजेशन है और ये माइक्रो सर्जरी होती है वेरिकोस सील की, अभी तकनीक जो चल रही है उनकी बजाय ओपन सर्जरी में थोड़ी सी पीड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ा सा टाइम भी अधिक लगता है इनकी बजाय। और मैंने जब सर्जरी करवाई थी तो थोड़ा बहुत मेरे पेन भी हुआ था, और मेरे 2 दिन बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से। जब मैंने वहाँ पर अपने घर पर आने के बाद में मेरे लगभग 7 से 10 दिन के अंदर मेरे टाँके वगैरह काट दिए गए थे, और उसके बाद में 15 दिन बाद में मैं आराम से अपना मतलब नॉर्मल लाइफ अकेले की जीने लग गया था। रनिंग की बात करें तो रनिंग की बात, मैंने रनिंग स्टार्ट किया था लगभग दिसंबर 2019 में, मतलब दिसंबर एंड में मैंने स्टार्ट कर दिया था, और सर्जरी के लगभग 3.5 महीने बाद रनिंग स्टार्ट किया था मैंने। और रनिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने लगभग 2 महीने तक तो मेरे को थोड़ा सा डर रहा था अंदर अंदर कि यार सर्जरी करवाई ये आराम से दौड़े, लेकिन वो 2 महीने बाद मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं जब पहले दौड़ रहा था वैसे ही दौड़ रहा था। सर्जरी की रेट ये थी कि सक्सेस रेट की बात करें सर्जरी की, तो मेरा लगभग ठीक है, मेरे को सिर्फ LT था, लगभग बढ़िया तरीके से सेट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज की डेट में बात करें तो एकदम ठीक है। लेकिन उस वक्त मेरे वेरिकोस सील RT मतलब लेफ्ट राइट साइड के अंदर भी मेरे को वेरिकोस सील बताया गया था, उस वक्त वो 1 या 2 ग्रेड की मतलब शुरुआत हो रही थी, लेकिन वो आज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब 2 ग्रेड तक पहुँच गया। लेकिन उसका भी प्रयास जारी है, धीरे धीरे उसको भी मेडिसिन से तैयार कर लूँगा मैं ऐसा। मैंने एक्सरसाइज भी फॉलो करता हूँ, मेडिसिन तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हल्की फुल्की डाइट वगैरह में चेंजेस करके उसको सही करने का सोच रहा हूँ। तो रही और वेरिकोस सील के बारे में जो भी आपकी कोई भी मतलब पूछने की हो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं आपको, मेरे जैसा होगा वैसा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये थी मेरी वेरिकोस सील की जर्नी। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।